हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं रिव्यू पार्स बाय नुस्की की पिगमेंटेशन कॉम्बो क्रीम का। जो रिव्यू है वो करने वाले हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्रीम कितनी इफेक्टिव है, कौन इसे लगा सकता है, नहीं लगा सकता है, या फिर इसके क्या साइड इफेक्ट है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो। कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एकदम फ्री है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप इसे सबसे पहले देख पाएंगे। एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो पहले भी शेयर किया हुआ है, तो मैंने नुस्खे बाई पार्स का पूरा है जो कॉम्बो मंगा लिया था। पिगमेंटेशन मुझे है तो इसीलिए मैंने पूरा कॉम्बो ही इसका ऑर्डर किया था। इसकी ओरिजिनल साइट से मैंने ऑर्डर किया, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपको नॉर्मल फ्लिपकार्ट अमेजन पर भी अवेलेबल है, वहाँ से भी मिल जाएगा। लेकिन इस पर मुझे कुछ डिस्काउंट मिल गया था ओरिजिनल से साइट से। दूसरी फ़ायदा इसमें ये हो जाता है कि आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिलने के बाद ही आपको थोड़ी सस्ती पड़ जाती है, यानी कि 900 रुपये के आसपास मुझे ये पड़ी थी, तो उस पर आपको 100-150 रुपये और एक्स्ट्रा पड़ रही थी, बस इतना ही फ़र्क है। तो इसका दोनों इनका लिंक मिल जाएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस क्रीम को लगाने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है, जैसे हम नॉर्मली सारी क्रीम को लगाते हैं। लेकिन मैंने इसको देखा था फेसबुक पर, नुस्खे बाई पार्स की जो वीडियो होती हैं वो ही मैंने देखी थी, और उनमें ही उन्होंने जिस तरह से बताया था मैंने सेम वैसे ही अप्लाई किया, क्योंकि मैं पहले भी कई सारी क्रीमें हैं जो इस्तेमाल कर चुकी हूँ। पिगमेंटेशन कब हो जाता है, 80%, 90%, 99% भी चला जाता है, लेकिन जब जैसे ही आप उस प्रोडक्ट को लगाना छोड़ देते हैं तो उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड होता है, आपकी स्किन को हार्म कर देता है, इचिंग कर देता है। ऐसी भी मैंने कई सारी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। तो जो पिगमेंटेशन अब तक अच्छे से जैसे जानी चाहिए वैसे नहीं गई, किसी किसी की तो ऑटोमेटिक चली जाती है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना, स्किन में अपने आप ही लाइट दिखने लगती है पिगमेंटेशन। कभी कभी वेदर का इफ़ेक्ट भी होता है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, हार्मोन्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सब आप लोग जो नेचुरल जनरल चीज़ें वो आप जानते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे इस क्रीम के बारे में। तो क्रीम के साथ आपको क्या क्या मिल जाता है, एक तो आपको फेस वॉश मिलेगा जिसे आपको दो बार इस्तेमाल करना होता है, एक आपको पिगमेंटेशन का जो है पैक मिलने वाला है, इसे आप वीक में एक बार इस्तेमाल करेंगे, और आपको मिल जाती है एक क्रीम। क्रीम की क्वांटिटी आप देख सकते हैं काफ़ी है, ऊपर तक भरी हुई आती है, क्रीम में कोई कंजूसी नहीं की हुई है। और ये क्रीम है जो इस दिन में आपको दो बार इस्तेमाल करनी है फेस वॉश इस्तेमाल करने के बाद। तो मैंने सेम प्रोसीजर है जो मैंने आपको बताया, सेम मैंने ऐसे इस्तेमाल कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये पिगमेंटेशन के साथ साथ अगर आपके डार्क सर्कल हैं, आपको स्किन अनइवन टोन है, या फिर आपकी स्किन जो है टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, या फिर ग्लोइंग नहीं है, या फिर डल रहती है, इस तरह का रहता है, या पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उस चीज़ पे भी ये काम करता है। किस पर किसने कितना काम किया, और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टी है वो हर्बल पपाया है। पपाया आप लोग जानते ही हैं, पपाया कितना ज़्यादा हेल्पफुल होता है स्किन के लिए, तो पपाया इसमें बहुत सारा है। और मैंने इसको इस्तेमाल किया 20 दिन करीब हो गए हैं, 20 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि आपके साथ एक रिव्यू शेयर कर दिया जाए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे खरीद सकते हैं। तो मैंने इसको सेम लगाया, तो उसमें मैंने देखा था कि इसको क्वांटिटी, जिनको पिगमेंटेशन को क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है, यानी कि 2-3 मटर के बराबर ले सकते हैं आप, या फिर 2 मटर के बराबर भी ले सकते हैं। और नॉर्मली अगर हम जैसे क्रीम लगाते हैं थोड़ी थोड़ी डॉट डॉट करके, वैसे अगर जिनको पिगमेंटेशन नहीं है वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो पिगमेंटेशन था तो मुझे ज़्यादा लगानी थी। और वेदर भी अभी तो थोड़ा हल्का गर्मी आ गई, उस टाइम तो थोड़ी ठीक ठाक ही मौसम था। तो और जो मेरी स्किन है वो है सेंसिटिव भी है और ऑयली भी है, और गर्मियों में ये और ज़्यादा ऑयली हो जाती है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो बातें मेन मुद्दे पर, तो मैंने इस क्रीम को लगाया, सुबह शाम लगाया। एक तो ये क्रीम अगर आप ज़्यादा लगाते हो, और आपकी स्किन अगर मेरी तरह है, अगर आपको गर्मी का मौसम में मुंह पर पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो स्किन के अंदर नहीं जाती है ये, इसे अब्जॉर्ब ही नहीं होती है, और आपको बहुत ही अजीब सा फील होगा, क्योंकि वो स्किन एक लेयर बना देती है, एक मतलब लेयर नहीं बनाएगी, आपको ऐसे फील होगा ऐसे,
क्या लगा लिया मैंने, मतलब एक स्किन पे जो हम क्रीम लगाते हैं उससे स्किन है जो पूरी एकदम ऐसे हो जाती है, हाँ भाई अब पसीना भी नहीं है और पूरा अच्छे से मिक्स हो गई है, वो अच्छे से मर्ज हो गई है। लेकिन ये ऐसा नहीं करती है, पूरा दिन आपकी स्किन अगर हाथ अगर आप ऐसे करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ है जो लगाया हुआ है, अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी लगाई तो। और कम लगाई तो भी अगर गर्मी का मौसम है तो आप ऐसे करोगे तो आपको फील होता है कि हाँ आपने कोई ऐसी क्रीम लगाई है ऐसे ग्रीस टाइप, क्योंकि ये शायद स्किन में नहीं जा रही है, फिर मेरी स्किन में नहीं जा रही है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरी स्किन में तो ये नहीं जा रही थी। और हाँ इससे डार्क सर्कल थोड़े से कम हुए मेरे, मुझे ऐसा लगा, हो सकता है वेदर का इफेक्ट भी हो सकता है। और स्किन है थोड़ी सी अनइवन टोन जो थी वो थोड़ी सी सही अच्छी लगने लगी, अदरवाइज पिगमेंटेशन के ऊपर कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, वो जैसे हैं वैसे ही हैं जैसे पहले दिख रहे थे। और क्रीम का बस मेरे को यही लगा कि क्योंकि जो क्रीम है ना वो अंदर ही नहीं जा रही है, तो इसलिए अब मैं काफ़ी टाइम से इसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लगा रही हूँ, लगानी तो है क्योंकि खरीदी है तो अब लगाऊंगी तब तक जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाती है। तो नॉर्मली मैं इसको धोती हूँ दो बार। और अब बात करते हैं इसके फेस वॉश की, तो क्रीम मुझे इतनी खास इफेक्टिव लगी नहीं, अब इसकी बात कर लेते हैं। इसका टेक्सचर तो नॉर्मली जैसे फेस वॉश होता है वैसा ही है, लेकिन है क्या ना कि ये फोम नहीं बनाता, यानी कि झाग नहीं बनाता है, और आप जब इसे इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा नहीं क्लीनिंग नहीं कर रहा, क्लीनिंग तो करता है लेकिन वो एक जो फील होती है ना हमको वो नहीं आ पाती है, उस टाइप का मुझे ऐसा लगा, ये एकदम लेजी सा मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा मेरे अकॉर्डिंग, मैं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ये जो फेस वॉश है वो बिल्कुल भी अच्छा, तो मैंने बताया कि ये मुझे जो फेस वॉश है वो इतना अच्छा नहीं लगा, क्वांटिटी भी इसकी कम ही है, अगर इसको देखा जाए और इसको इतने ज़्यादा लगाया जाए तो ये आपकी दो बोतल ख़त्म हो सकती है, जब एक बोतल ख़त्म होगी आपकी तो इसकी क्वांटिटी काफ़ी कम दी हुई है उसके अकॉर्डिंग जिस तरह से ये कॉम्बो बनाया हुआ है। और अब बात करते हैं नुस्खे की, जो ये पैक है उसका, तो देखिए पैक तो मुझे अच्छा लगा, जैसे नॉर्मली पैक होता है वैसा ही है, पैक को जब हटाते हैं तो स्किन अच्छी सी दिखती है तो वैसा ही है, तो पैक मुझे अच्छा लगा। हाँ लेकिन अगर ओवरऑल तीनों की बात करी जाए तो वो इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि 1000 रुपीज़ में आप और अमेज़ोन पे तो आप 1000 से भी ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा जो आपको चाहिए, तो मुझे भी नहीं मिला। लेकिन हाँ स्किन जो है वो काफ़ी थोड़ी अच्छी लग रही है मुझे, काफ़ी पहले से बेटर लग रही है, लेकिन मेरा जो मेन पर्पज़ है वो मेरा पिगमेंटेशन ही था कि पिगमेंटेशन चली जाए कैसे भी चली जाए, और पपाया है तो मैंने काफ़ी होप से मंगाई कि ये शायद इस क्रीम से चला जाएगा जिस तरह से वो बताते हैं एक्सप्लेन करते हैं, तो मैंने वैसा ही किया। हो सकता है ये बहुत सारे लोगों पर इफ़ेक्ट कर जाए, हो सकता है ये बहुत सारे लोगों पर इफ़ेक्ट ना करे, या फिर कुछ मेरे जैसे भी लोग होंगे जिनको लगाने के बाद कुछ अच्छा सा फील नहीं होगा। और ऐसे आप इसे आपकी स्किन कोई भी कैसी भी हो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और लेकिन मैं गर्मियों में तो इसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि गर्मियों में मुझे आता है बहुत पसीना, और जिनके फेस पे बहुत पसीना आता है जिनकी ऑयली स्किन है तो मुझे नहीं लगता कि ये स्किन उनको बहुत इरिटेट करेगी, क्योंकि पहले से ये बहुत चिकनी है और जब आप इसको लगाते हैं तो आपको खुद चिकनाहट फील होती है, आपके फेस पे कुछ लगा हुआ है ऐसा, तो एक अच्छी सी फैक्टर नहीं देता है, एक शाइन नहीं देता है, तो मुझे ये इतनी अच्छी नहीं लगी। ये मेरा खुद का पर्सनल रिव्यू है जो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, हो सकता है आपके ऊपर कर जाए तो, लेकिन फिर भी अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं आप सोचते हैं कि हम एक बार ट्राई करें तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, आपको इसका जो पूरा रिव्यू है वो मिल गया होगा।